वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ की हिंदी की वर्कशीट नंबर 23। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्र में आपने कवि रचित कुछ शाखियाँ पढ़ी। आइए आज के कार्यपत्र के माध्यम से कवि रचित सद पद पर चर्चा करते हैं। मो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में ना तो कोना क्रियाक्रम में नहीं योग बैराग में खोजी हुए तो तुरंत मिल ही पल भर की तलाश में कहे कबीरा सुने हु भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। प्रस्तुत शब्द में कबीर ईश्वर के माध्यम से भक्तों को एक संदेश दे रहे हैं कि मुझे ईश्वर को तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारे ही पास हूँ। ना तो मंदिर में हूँ और ना ही मस्जिद में हूँ, मैं ना तो काबा में हूँ और ना ही कैलाश में, अर्थात मैं किसी भी तीर्थ स्थल या देव स्थान में नहीं हूँ। ईश्वर या अल्लाह को पवित्र और तीर्थ स्थानों पर ढूंढना नहीं चाहिए। किसी विशेष क्रिया कर्म में से या किसी विशेष योग वैराग या पूज्य पद्धति से भी मुझे नहीं पाया जा सकता। यदि कोई खोजने वाला था समझदार हो तो मैं तो पल भर की तलाश में ही उसे मिल सकता हूँ। कबीर कह रहे हैं कि साधना करने वाले साधक सुनो, मैं श्वास लेने वाले प्रत्येक प्राणी को हर सांस में मौजूद हूँ, अर्थात जीवन का आधार मैं ही हूँ। अपरिचित शब्द देवल देवस्थल, काबा मुसलमानों का तीर्थस्थल, कैलाश हिंदुओं का एक तीर्थस्थल। आशा है आपने इस पद का भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इस पद पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। यहाँ बंदे शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ बंदे शब्द का अर्थ है सामान्य आदमी। सेकंड का है, मिली हो शब्द के माध्यम से कबीर किसके मिलने की बात कर रहे हैं? ईश्वर और अल्लाह के। खैर, यहाँ साधो शब्द से क्या तात्पर्य है? साधना करने वाला। खैर, फर्स्ट का है घय, सेकंड का खै, थर्ड का खै, फोर्थ है। यहाँ क्रियाक्रम से क्या अभिप्राय है? भगवान को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला कार्य जैसे योग वैराग्य या पूजा पाठ है। पांचवा है, सच्चे हृदय से ढूंढने वाले ईश्वर पर भर ही की तलाश में मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।